दोस्तों आज की श्लोक हम देखने वाले हैं, जो कि संघ प्रोटोजोआ होता है उसका वर्गीकरण, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि इसका अपन जनरल कैरेक्टर कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन ऊपर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये अब अपन समझते हैं इस वीडियो में कि जो संघ प्रोटोजोआ होता है उसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जो संघ होता है अर्थात प्रोटोजोआ, उसको दो उपसंग में डिवाइड किया। उपसंग बोले तो इसको अपन कह सकते हैं सब फाइलम, और संघ बोले तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, फाइलम कह सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश में ना, जो भी इंग्लिश वाले होंगे उसके लिए, तो देखिए संघ प्रोटोजोआ को अपन ने दो उपसंग में डिवाइड किया, यानी कि सब फाइलम में डिवाइड किया है। कितने? दो उपसंग, एक तो हो जाता है प्लाज्मोड्रोमा, एक तो हो जाता है प्लाज्मोड्रोमा, और दूसरा हो जाता है सीलियोफोरा। देखिए संघ होता है प्रोटोजोआ, उसको दो उपसंग में डिवाइड किया है, पहला प्लाज्मोड्रोमा, सेकेंड सीलियोफोरा। जो प्लाज्मोड्रोमा उपसंग होता है उसको अपने तीन क्लास में डिवाइड किया है। कितने क्लास में डिवाइड किए हैं? उसको तीन क्लास में डिवाइड किया है। तो देखिए जो प्लाज्मोड्रोमा होता है उसको अपन ने कितने क्लास में डिवाइड किया है? तीन क्लास में डिवाइड किया है। तो देखिए उसमें सबसे पहले जो क्लास होती है उसका नाम हो जाता है फ्लैजिलेटा। सबसे पहली क्लास होती है इसका नाम है फ्लैजिलेटा, और इस फ्लैजिलेटा का दूसरा नाम होता है मेस्टिगोफोरा। क्या नाम होता है? मेस्टिगोफोरा। देखिए प्लाज्मोड्रोमा को अपने तीन क्लास में डिवाइड किया, यानी कि तीन वर्ग में इसको डिवाइड किया, तीन वर्ग या फिर क्लास में डिवाइड किया है। मैं इसको भी इंग्लिश में लिख देता हूँ, इसको टू सब उपसंग यानी कि टू सब फाइलम में इसको डिवाइड किया है। अब देखिए पहली जो होती है उस क्लास का नाम है फ्लैजिलेटा या फिर मेस्टिगोफोरा, सेकंड जो क्लास होती है उसका नाम है सार्कोडीना या राइजोपोडा, या इसका नाम क्या है, राइजोपोडा। इसके बाद में जो लास्ट क्लास होती है उसका नाम है स्पोरोजोवा। क्या नाम है? स्पोरोजोवा। देखिए गाइज, प्लाज्मोड्रोमा की तीन क्लास है, फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफोरा, सार्कोडीना या राइजोपोडा, स्पोरोजोवा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीलियोफोरा को, तो इसको अपने दो क्लास में डिवाइड किया है। कितने क्लास में डिवाइड किया? इसको दो क्लास में डिवाइड किया है, तो अर्थात तो उसके दो वर्ग हो जाते हैं यानी कि क्लास। देखिए इसका पहला जो वर्ग होता है वो है सक्टोरिया, और दूसरा हो जाता है सिलिएटा। पहली क्लास का नाम होता है सक्टोरिया और सेकेंड का नाम हो जाता है सिलिएटा। अब अपन क्या करते हैं उसके एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि इन जो क्लास होती है उनके एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मेस्टिगोफोरा या फिर फ्लैजिलेटा होता है इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाता है युगलिना। कौन सा हो जाता है? युगलिना। देखिए ये जो युगलिना होता है उसकी अपन खास बात करेंगे, तो ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और फिर क्या कर सकता है, प्राणी सम भोजन कर सकता है, यानी कि जंतुओं के समान। अपन कह सकते हैं कि ये जंतु और पादप दोनों की तरह व्यवहार करता है, अर्थात तो युगलिना जो होता है उसको अपन पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल हो जाता है मेस्टिगमीबा। देखिए मेस्टिगमीबा की अपन बात करते हैं, तो देखिए मेस्टी से हो जाता है अपन का कौन सा, मेस्टिगोफोरा, और अमीबा से अपन का इससे मतलब है, मतलब सार्कोडीना राइजोपोडा से मतलब है, अर्थात अपन की क्लास फ्लैजिलेटा या फिर मेस्टिगोफोरा और दूसरी क्लास कौन सी, सार्कोडीना या राइजोपोडा, उन दोनों के बीच की योजक कड़ी कौन है, ये एग्जाम्पल है जंतु है जिसका नाम मेस्टिग अमीबा। इसके अंदर हो जाता है अपन का प्रोटेरोस्पोंजिया। कौन सा हो जाता है? प्रोटेरोस्पोंजिया। तो देखिए प्रोटेरो का मतलब होता है प्रोटोजोआ और स्पोंजिया का मतलब होता है पेरीफेरा से मतलब है। तो देखिए प्रोटोजोआ और जो पोरीफेरा हो अपन का संघ दूसरा है, उन दोनों के बीच की जो कड़ी है तो वो कौन सा है, प्रोटेरोस्पोंजिया। लेशमानिया डोनोवनी। कौन सा हो जाता है? लेशमानिया डोनोवनी। देखिए लेशमानिया डोनोवनी होता है एक परजीव होता है, उससे अपन को क्या रोग होता है, कालाजार नामक रोग होता है ना। इसका जो वाहक होता है वो कौन सा होता है, रेत मक्की इसका वाहक हो जाता है। इसके अंदर दूसरा हो जाता है लेशमानिया ट्रॉफिका। कौन सा हो जाता है? लेशमानिया ट्रॉफिका।
तो देखिए मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेशमैनिया ट्रॉफी का। इसके बाद देता है अगला एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपेनोसोमा कुजाई, देखिए ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपेनोसोमा कुजाई ये हो जाएगा इसके लिए एग्जांपल। अगर अपन बात करते हैं सार्कोडिनिया या फिर राइजोपोडा, तो इसमें अपन के एग्जांपल आ जाते हैं कौन से, तो देखिए इसमें अपन के एग्जांपल आ जाते हैं एक तो अमीबा, अमीबा आ जाता है। इसके बाद इसमें एग्जांपल आ जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो इसके बाद हो जाता है एंट अमीबा जिंजिवेलिस, एंड टाइम बाय जिंजिवेलिस। इसके बाद अपन देखते हैं स्पोरोजोआ को, तो देखिए स्पोरोजोआ में अपन बात करते हैं तो उसमें एक तो आ जाता है प्लाज्मोडियम, इसके बाद इसमें एग्जांपल आ जाता है मोनोसिस्टिस, और इसके बाद इसमें एग्जांपल आ जाता है नोसीमा, नोसीमा। तो ये इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। सक्टोरिया की अपन बात करते हैं तो उसमें दो ही एग्जाम्पल होते हैं, एक तो याद रखना है आर्सिनेटा और एफिलोटा, आर्सिनेटा याद रखना है और एक दूसरा याद रखना है एफिलोटा। इसके बाद अपन देखते हैं सिलिएटा में, तो सिलिएटा में अपन के एग्जांपल हो जाते हैं पैरामिशियम, इसके बाद हो जाता है बेलेंटीडियम, इसके बाद हो जाता है डिडीनियम। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल हो जाते हैं। देखिए सब प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करते हैं अपन, तो उसको अपन दो उपसंघ में डिवाइड किया है, यानी कि सब फाइलम में डिवाइड किया है। एक हो जाता है प्लाज्मोड्रोमा और एक हो जाता है सीलियोपोरा। जहाँ पर अपन प्लाज्मोड्रोमा की बात करते हैं उसमें अपन को तीन वर्ग मिल जाते हैं, फ्लैजिलेटा या मेस्टिकोफोरा, सार्कोडिना या राइजोपोरा, स्पोरोजोआ। अपन देखते हैं उपसंघ यानी कि सब फाइलम सीलियोफोरा में, तो उसमें दो क्लास मिल जाती है सक्टोरिया एंड सीलिएटा। इसमें अपन देखेंगे फ्लैजिलेटा या मेस्टिकोफोरा एग्जांपल, तो यूग्लिना है, मेस्टिकोम्बिया, प्रोटोस्पोंजिया, लेशमैनिया डोनोवनी, लेशमैनिया ट्रॉपिका, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा कुजाई। इसके अलावा अपन देखेंगे आगे, तो देखिए इसमें सार्कोडिनिया राइजोपोडा की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है उनका अमीबा, अमीबा के बाद आ जाता है एंड अमीबा हिस्टोलिका, एंड अमीबा जिंजिवेलिस। स्पोरोजोआ की बात करते हैं तो उसमें उनका आ जाता है प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस और नोसीमा। इसके अलावा अपन देखते हैं सक्टोरिया की, तो इसमें आर्सिनेटा और एफिलोटा एग्जांपल आ जाते हैं, एंड सिलिएटा की बात करें पैरामिशियम, बेलेंटिडियम, डिडीनियम, इस प्रकार से एग्जांपल आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।